फर्स्ट ऑफ ऑल जय भीम एंड नमो बुद्धाय टू ऑल सेल्फ चेक कंडली पर्सिंग माई सेकेंडरी MBBS फ्रॉम ESS मेडिकल कॉलेज अलवर। सो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मेरे को इंस्टा के थ्रू मिले थे। जैसे कि मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी पोस्ट की थी कि आपके कोई भी जो क्वेरी है आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई एक वीडियो के थ्रू दे दूँगा। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड ये वीडियो है। ओके सर, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डू वी गेट PG कोटा फॉर राजस्थान PG इफ वी ऑप्ट ESIC अलवर। सो अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर है नो, बिकॉज अभी हमारा क्या है कि फर्स्ट बैच है। पहले अभी तो अपन 2021 में ही कॉलेज अभी शुरू हुआ है, तो अभी ये चीज़ें हैं वो अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। बाद में PG कोटा है नीट PG के लिए, वो भी मिलने लग जाएगा, बट अभी फ़िलहाल नहीं है। उसका भी शायद कुछ क्राइटेरिया होता है, इस वजह से अभी नहीं है, बाकी वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि जब फर्स्ट बैच है वो पास आउट हो जाता है तो उसके बाद आता है PG कोटा, शायद वही रीज़न हो, इसके बारे में इतना नहीं पता है अभी, बट अभी नहीं है PG कोटा हमारे कॉलेज। दूसरा क्वेश्चन है कि कट ऑफ हाई क्यों जाती है। हमारा कॉलेज है वो अभी ओपन हुआ है, फिर भी उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, और वही इंडियन PG कोटा का क्वेश्चन पूछा उसने। तो कट ऑफ हाई, तो इसका सिंपली आंसर है कि जो ESIC अलवर है वो राजस्थान की कॉलेज है, राजस्थान की कट ऑफ वो ऑलमोस्ट ऑल इंडिया के इक्वल जाती है। इसके तो बहुत से रीज़न है, आपको पता ही होगा कि राजस्थान की कट ऑफ हाई क्यों जाती है ना, एंड वही है वो चीज़ है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट वगैरह पर भी डिपेंड करती है ना, कट ऑफ हाई क्यों रहती है। तो राजस्थान की कट ऑफ हाई रहती है, इस वजह से हमारी कॉलेज है उसकी कट ऑफ हाई रहती है। एंड दूसरा जो रीज़न वो ये है, हमारी कॉलेज है वो सेंट्रल कॉलेज है, एंड सेंट्रल कॉलेजों की है वो जनरली हाई रहती है। RNT उदयपुर और अलवर में से कौन सी चूज़ करें, मीन्स RNT उदयपुर तो उसने पूछा है, बट जस्ट ये आप वैसे समझ सकते हो दूसरे वे में कि कोई ओल्ड कॉलेज मिल रही हो वो और ESIC अलवर, तो कौन सी चूज़ करें। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ओल्ड कॉलेज ही ले, बिकॉज ओल्ड कॉलेज होती है उन पर बहुत सी चीज़ें जो पहले से स्टेबलाइज हो चुकी होती हैं, जो कि नई कॉलेजों में थोड़ी देर बाद में होंगी, कुछ दिनों में नहीं, कुछ सालों बाद ही होगी। फॉर्मेट और एंटी रैगिंग का क्या है, तो बॉन्ड फॉर्मेट एंटी रैगिंग अभी ज़रूरत नहीं होती है। हमारे टाइम पर तो यही हुआ था कि हमको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी काउंसलिंग के टाइम पर, वो बाद में कॉलेज में जब आप एडमिशन हो जाओगे उसके भी कुछ दिनों बाद वो बनवाएंगे, तो वो अपने आप बनवा लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो IP ऑप्शन है, तो IP ऑप्शन है वो कब आएगा, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग आएगा। तो इसका आंसर है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही आएगा, जब आप स्टार्टिंग करते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो तब उसमें वो मांगता है कि ऑल इंडिया कोटे से कर रहे हो काउंसलिंग, या DU कोटा जो भी है आपका, किस कोटे से आप काउंसलिंग कर रहे हो, FMC के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो ना, तो तभी आपसे आएगा। तो तभी उसमें ESIC और IP का भी ऑप्शन आता है, तो आपको तभी कर देना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही, आपको ऑप्शन है चूज कर लेना है ना। अब तो आपको पता ही लग गया होगा आपने कर ही दिया है। कॉलेजों की प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो ESIC कॉलेजों की प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि प्रेफरेंस है वो हर स्टूडेंट से स्टूडेंट चेंज होता है, ये प्रेफरेंस ये तो है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स है वो डिपेंड करता है, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पर जो सबसे जो सही प्रेफरेंस है वो तो मेरे को ये लगता है ESIC में, तो बेसिकली कि सबसे टॉप पे तो फरीदाबाद ही भरते हैं जनरली, है ना, देन सबसे टॉप पे फरीदाबाद भर दिया, नहीं ऊपर पे दो तीन पे आप टॉप पे टॉप कॉलेज भर दो जो बहुत ज़्यादा पुराने ESIC के ना, तो वो ऊपर टॉप कॉलेज आ जाएंगे, देन आपको जो जो आपके नियर बाई ESIC है उसको भर दो आप, है ना, ये है सबसे टॉप पे भी हो जाएगा जो आपके ज़्यादातर नियर बाई है, सबसे पहले ऊपर सबसे टॉप को भरो और देन उसके जस्ट नीचे आपका जो नियर बाई ESIC है वो भर दो, है ना, बिकॉज सारे ESIC में ना सुविधा ऑलमोस्ट सेम ही है, बट वो जो पुरानी ESIC है तो उनमें आपको बहुत सी चीज़ें पेशेंट लोड वगैरह थोड़ा अच्छा मिलेगा। इस वजह से बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की, स्टेट का लगेगा या सेंट्रलाइज लगेगा, तो स्टेट का ही चल जाएगा, जो आपने मित्र पे बनवाया होगा ना वो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। स्टूडेंट कैडे पर ड्रेस जो और इट मैटर और नॉट, ठीक है, इस पर बात करते हैं, तो स्टूडेंट कैडेवर रेशियो है, अभी हमारे कॉलेज है उसमें दो कैडेवर रखे होते हैं, एक मेल का एंड फीमेल का, एंड बेसिकली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैडेवर के दो ही कैडेवर है बस, हमारे 100 सीट का है कॉलेज एंड उसमें दो ही कैडेवर है, एंड हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी इससे। एंड ये होता है कि कैडेवर स्टूडेंट रेशियो में बस सिर्फ ये है कि आपको देखने में आसानी होगी, बस इतना सा फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, एंड ज़्यादा कैडेवर होंगे तो आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर करोगे, बस ये भी है ना, कई बार भीड़ होती है तो आप उससे बचने के लिए भी कई बार ऐसा है कि आप दूर बैठ जाते हो, क्योंकि बहाना लगा दो भीड़ है यहाँ पर, यदि भीड़ कम होगी तो आप थोड़ा ज़्यादा देखोगे, उसको ज़्यादा देखोगे थोड़ा ज़्यादा सीखोगे, ये है।
पर इतना मैटर नहीं करता है ये, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी सब्जेक्ट को समझने के लिए। बट फिर भी वही वही बात आती है कि जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ से, मेडिसिन से भी लिंक हो सकती है आपकी, बहुत सी सब्जेक्ट से लिंक हो सकती है ना। तो इस वजह से है इन मैटर तो करता है पर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है स्टूडेंट कैडेबल रेशियो। मतलब आप देखना चाहो ना तो आप देख सकते हो, चाहे कितने भी स्टूडेंट हो। एंड हमारे तो क्या है कि 100 स्टूडेंट्स थे तो 25-25 के बैच बना दिए थे, देन उनको दिखा देते थे, फिर उनको लाइक 25 नहीं 10-10 के बैच बना दिए थे, 10-10 ग्रुप के। मतलब उसमें क्या है कि कोई भी आर्टरी नर्व वगैरह जो भी आपको दिखानी है ना, कोई भी मसल है उसका अटैचमेंट ओरिजिन आपको दिखाना है, तो आप उसको पहले तो मतलब उसको डायसेक्ट कर लेते थे, देन हर एक स्टूडेंटों को बुला लेते थे ग्रुप में, लाइक 10-10 के करके ग्रुप बना लिया और उनको बुला लिया, उनको दिखा दिया। तो इसमें तो चाहे कितने भी स्टूडेंट हो तो वो उसी हिसाब से उनको दिखा देंगे सबको, जो देख लेगा उसका भी वही सेम चीज़ है ना। बट ये तो जो डायसेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा ये सही और रहता है, जो डायसेक्ट करेगा उसको तो और भी ज़्यादा पता ही लग जाएगा कि ये चीज़ है। बट मतलब इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि बाद में तो ऐसा हो जाता है कि आप खुद ही बोर हो जाते हो उस चीज़ से, डाइसेक्शन वगैरह। अभी आपको लग रहा होगा कि यार कैडे पर देखेंगे ये वो, बाद में आप खुद ही बोर हो जाओगे, खुद ही उससे दूर भागोगे कि यार मेरे को करना ही नहीं है डाइसेक्ट वगैरह और कुछ भी ऐसा कुछ दूर, इससे अच्छा तो मतलब करवाई मत ये जो भी है कैडे वर्ग वाली जो भी चीज़ें हैं ना। स्कॉलरशिप के ऊपर बात करते हैं, तो स्कॉलरशिप की लाइक हमारे जो फर्स्ट ईयर था ना, तो फर्स्ट ईयर में तो नई नई कॉलेज खुली थी, तो हमारे कॉलेज का जो नाम है वो जो स्कॉलरशिप वाली साइट होती है उस पर था ही नहीं, तो हमने बहुत से एप्लीकेशन लगवाए तब उसका नाम ये एसएससी साइट पर आया। तो हमारी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप वो नहीं आई थी, मतलब हमने फॉर्म भी वो फिल नहीं कर पाए थे, देन अब सेकेंड ईयर में फॉर्म फिल कर दिए, तो अब स्कॉलरशिप वो आती है, तो हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप अब आने लग गई है। अभी तक यही बाकी, वो डिस्कस सम जनरल क्वेश्चन अबाउट आवर एसएससी अलवर। तो लाइक इसमें है जो मैथ्स एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक मैथ्स तो है, मैथ्स तो मैथ्स जैसा ही है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे बेस्ट मैथ्स है, ऐसा नहीं कह सकते कहीं भी, मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी मैथ्स इतना अच्छा हो सकता है। मैथ्स में एक तो थोड़ा मतलब हाइजीन का इतना मेंटेन, मतलब थालियाँ हैं उनको बस दी झकोला निकाला, मतलब पानी में डाला बस पूछ दिया, ऐसे ही है। तो हर जगह ऐसे ही मिलेगा, जितने बड़े लेवल पर ज़्यादा बड़ा लेवल पर अगर काम हो रहा है तो वहाँ ऐसे होता है काम, तो जनरली है ना ये होता है। थोड़ा मतलब मैथ्स तो मैथ्स ऐसा ही है, आप ऐसा नहीं कह सकते बेस्ट है ये है वो है। एंड जो दूसरा स्पोर्ट फैसिलिटी, तो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा सही है हमारा मेडिकल कॉलेज, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, जिम है यहाँ पे एंड ऑलमोस्ट खेलने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बस इंडोर की सारी चीज़ें हैं, आउटडोर में इतना ही है अभी, क्योंकि हमारे पास है वो आउटडोर के लिए कोई खेलने का जो फील्ड है वो नहीं है, मैदान नहीं है अभी इस वजह से, लेकिन इंडोर की ऑलमोस्ट सारे गेम हैं, बहुत सारे है ना। ओके, देन हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल A1 है सारे, मतलब आपको यहाँ पे देख बेड मैट्रेस टेबल चेयर अलमीरा मिल जाती है, बिल्कुल एक नंबर चीज़ है ना, बिल्कुल मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिल जाती है ऑलरेडी। देन आपको बस दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा लानी पड़ती है, और जो आपका खुद का स्टफ़ है वो आपको लाना पड़ता है, बाकी चीज़ें तो यहीं पे है। देन बिल्कुल अभी, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही कॉलेज खुला है तो बिल्कुल नई है सारी चीज़ें, बिल्कुल न्यू है, अच्छा है, मस्त मज़ा आता है एकदम ना, आपको घर की याद नहीं आएगी अगर दोस्त अच्छे बन जाए तो ना। देन बात करते हैं तो एकेडमिक की बात करते हैं, तो एकेडमिक में है मतलब एकेडमिक का तो बहुत सी चीज़ें, वो एकेडमिक तो मेनली आप पे डिपेंड करता है। एंड मेडिकल कॉलेज में मतलब यही है कि पढ़ाई, मतलब क्लास में जो आप बैठे हो क्लास की, तो आपको खुद को इतना समझ कभी आएगा ही नहीं, तो आप खुद से घर पे आके पढ़ोगे ऑनलाइन जो है वही आपको समझ आएगा, वही आप लिख के आओगे वहाँ पे जो भी है पेपर्स में, टीचर इस क्लास का तो कुछ समझ आता ही नहीं है। तो एकेडमिक ये, बट एकेडमिक है वो हमारे मतलब कॉलेज की स्पेसिफिकली बात करें तो एकेडमिक तो अच्छा ही है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि आपको ख़राब पढ़ाए, ऐसा नहीं होता है, बढ़िया होता है एकेडमिक। एंड लाइक हमारे जो फर्स्ट ईयर में, तो भाई फर्स्ट ईयर में तो हमारे जितने भी टीचर्स थे बहुत से, तो कई एक ही सब्जेक्ट में 2-3 ऐसे थे जो कहीं पिछले कॉलेजों में HOD थे, है ना, तो मतलब बहुत अच्छा लेवल है एकेडमिक्स का। तो बट एकेडमिक्स तो वही है, यहाँ पे आप आओगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि थोड़ा अलग होता है एकेडमिक का चक्कर MBBS में। ओके, सो ये कुछ क्वेरीज थी, यदि आप और कोई क्वेरीज तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आई विल रिप्लाई इट लेटर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर, एंड प्लीज़ फॉलो मी इंस्टाग्राम। थैंक्स अगेन, जय गुरु नम बुद्धा।